पेंडेमिक से हमारे डेली रूटीन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कई सारे घरों में मेड की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। अगर आप भी एक डिशवॉशर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो में हम डिशवॉशर कैसे काम करता है, मार्केट में मिलने वाले इतने सारे मशीन्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और ए टू जेड जानेंगे। स्टे ट्यून्ड अप टू द एंड और लास्ट में दूंगी वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे जो गलत फहमियाँ सालों से हमने सोच के रखी हुई है वो सब भी दूर हो जाएगी, जिससे आपके डिशवॉशर खरीदने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट 7 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और वो है टाइप ऑफ डिशवॉशर, साइज ऑफ डिशवॉशर, मटेरियल ऑफ डिशवॉशर, वॉश साइकिल ऑप्शंस, सेंसर टेक्नोलॉजी, एडिशनल फीचर्स और वारंटी। टाइप्स ऑफ डिशवॉशर की बात करें तो वो बिल्ट इन और पोर्टेबल दो तरह के आते हैं। बिल्ट इन डिशवॉशर्स नए किचन में आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं, अदरवाइज आपको किचन को रिनोवेट करके लाइंस, पावर आउटलेट वगैरह को थोड़े ड्रॉवर्स या कबोर्ड्स वगैरह निकालकर फिक्स करना पड़ता है। पोर्टेबल फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर्स पोर्टेबल एसी और कूलर की तरह व्हील्स के साथ आते हैं, जो रेंटेड घर या मूवेबल जॉब वाले लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका एक ड्रॉबैक यह है कि जब वह चल रहा हो तब उसके पाइप को सिंक में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से किचन थोड़ा मैसी लग सकता है। डिशवॉशर के साइज की बात करें तो वो टोटली आपके फैमिली मेंबर्स और यूजेज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 6, 8, 10, 12, 14 और 16 इतने प्लेट सेटिंग के साथ आते हैं। 6 प्लेट सेटिंग का मतलब है 6 प्लेट्स, 6 बाउल्स, 6 कप्स, 6 ग्लासेस, 6 चम्मच और 6 फॉक्स। सेम तरीके से दूसरे साइज में भी रहता है, 8 में 8, 12 में 12। इन शॉर्ट छोटे बड़े मिला के हम एक टाइम के लंच या डिनर के 80 से 90 बर्तन 12 प्लेट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली 2 से 4 मेंबर्स का है तो आप 8 प्लेट सेटिंग वाला छोटा मशीन, और अगर आपका फैमिली मीडियम साइज या तो बड़ी साइज का 4 लोगों से ज़्यादा मेंबर्स का है तो 12 या 14 प्लेट सेटिंग वाला मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगा। नॉर्मली 12 प्लेट सेटिंग ज़्यादा पॉपुलर है। डिशवॉशर के मटेरियल की बात करें तो वो 2 मटेरियल से बनता है, एक तो प्लास्टिक और एक स्टील इंटीरियर टॉप के साथ आते हैं। प्लास्टिक वंस थोड़े सस्ते होते हैं और पानी के धब्बों को आसानी से छुपा देते हैं, जबकि स्टील डिशवॉशर लंबे समय तक चलते हैं, रस्ट और स्टेन से बचाते हैं और गर्म पानी को भी टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि यह मशीन अपनी वॉश साइकिल में हाई टेम्परेचर का यूज़ करता है। हमारा मिशन है आपको बिना बायस सिक्के की दोनों बाजू दिखाना। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और YouTube का एल्गोरिदम जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक वीडियो को पहुँचाता रहे। वॉश साइकिल ऑप्शंस की बात करें तो यह मशीन 6 to 8 वॉश साइकिल के साथ आते हैं, जिसमें मेनली ऑटोमेटिक, डेलिकेट, ग्लास वगैरह के लिए, इको, हैवी, नॉर्मल डेली रेगुलर रूटीन के लिए, क्विक वॉश, डिलेड वॉश, ओनली रिंस एंड होल्ड सैनिटाइजिंग रिंस वगैरह होते हैं। इनको अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। और फीचर्स में एडजस्टेबल रैक, हाफ लोड साइकिल, टाइम डिले, क्विक वॉश और चाइल्ड लॉक होना भी बहुत ज़रूरी है। सेंसर टेक्नोलॉजी को 6th सेंस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मशीन में ये मिल जाती है, जिसमें आप कैसे बर्तन रखते हो, जैसे कि उसमें कुछ खाना बचा हुआ है, ऑयल वगैरह ज़्यादा है तो उसके सॉइल लेवल सेंसर्स उसके अकॉर्डिंग पानी का लेवल, सोप लेवल और वॉश साइकिल का टाइम भी डिसाइड करते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स उसके अकॉर्डिंग पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। डिटर्जेंट सेंसर्स जितने चाहिए उतने ही क्वांटिटी में डिटर्जेंट को रिलीज करेगा, और वाटर सेंसर्स पानी के लेवल को डिसाइड करेगा। इन सेंसर्स से पानी और डिटर्जेंट दोनों का वेस्टेज नहीं होगा।
थोड़े और ज़रूरी फीचर्स भी जान लेते हैं, जैसे कि कई डिश वॉशर्स एडजस्टेबल और रिमूवेबल रैक्स के साथ आते हैं, जिससे आप बड़े बर्तन जैसे कि प्रेशर कुकर, बड़ी साइज़ के पतीले, कढ़ाई वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। डिश वॉशर में सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन होने से आपको मैन्युअली ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, पर आपको प्लेट्स या बाउल्स में से बचा हुआ खाना वगैरह निकाल कर बाद में ही डिश वॉशर में रखना चाहिए, ताकि कोई क्लॉगिंग का इश्यू ना रहे। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो आपको हार्ड वाटर कंपेटिबल मशीन लेना चाहिए, जिसमें वाटर सॉफ्टनिंग चैम्बर होता है। डिश वॉशर में नॉइस लेवल 50 dB से कम हो वो ज़रूरी है। इसके अलावा हाफ लोड कैपेसिटी का फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी बर्तन कम हो तो हम उसे हाफ कैपेसिटी पर चला सकते हैं। ऑफकोर्स वो टाइम तो सेम ही लेता है, पर पानी और डिटर्जेंट दोनों की बचत हो जाती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो चाइल्ड लॉक फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी गलती से भी बच्चा मशीन चालू हो तब उसे खोल ना दे, क्योंकि ये मशीन 70 डिग्री सेल्सियस तक का पानी यूज़ करता है, सो इट इज़ रियल रिस्की। इसके अलावा एंटी फ्लड वाल्व्स आपके मशीन में से कोई भी वाटर लीकेज होने से बचाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वारंटी की बात करें तो अच्छा ब्रांड जो स्टील फिनिश बिल्ड देता हो और ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 2 से 5 साल की वारंटी देता हो और अच्छे आफ्टर सेल सर्विस देता हो, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों का कंजम्पशन कितना है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। जब भी डिश वॉशर खरीदे उसके एनर्जी स्टार रेटिंग और पानी कितना यूज़ करता है वो चेक करके ही मशीन को प्रेफर करें। स्टील फिनिश और 12+ सेटिंग वाला डिश वॉशर मीडियम साइज फैमिलीज के लिए राइट चॉइस हो सकता है, और मिनिमम 6 वॉश साइकल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बजट अलाउ करे तो एडिशनल एडवांस फीचर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। डिश वॉशर्स अलग अलग प्राइस रेंज में मिलते हैं, मेक श्योर कि आप अपने बजट को ध्यान में रखकर बेस्ट क्वालिटी चूज़ करें, ताकि वो सालों साल बिना रुकावट चलता रहे। अभी बारी है पर्सनल टिप्स की, गलत फहमियों के जाले हटाने की। जब आप डिश वॉशर खरीदते हैं आपको एक बड़ी अमाउंट एक साथ पे करनी होती है, जिसके साथ साथ उसके स्पेसिफिक डिटर्जेंट, सॉल्ट वगैरह के लिए भी खर्चा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अलग से, मशीन की कॉस्ट कवर करने के लिए हमें 5 से 7 साल लग जाते हैं, और हो सकता है कि मशीन की लाइफ भी ऑलमोस्ट उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा हो, पर उसके सामने आपको हाइजीनिक वॉश, मेड के टेंशन से आज़ादी और जब चाहे तब काम करने का फ्रीडम मिल जाता है। पार्टी हो या सोशल गैदरिंग, आप आराम से यह टेंशन देने वाला काम भी चुटकियों में निपटा सकते हैं। ये सब की कीमत आप सब अच्छे से समझते हैं। मेजरली सब मानते हैं कि डिश वॉशर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। जब हम हाथ से बर्तनों को धोते हैं कम से कम टाइम 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, जबकि डिश वॉशर में आपको बर्तन मशीन के अंदर रखने के लिए 10 मिनट लगते हैं। हाँ, मशीन ज़रूर 2 से 3 घंटे लेता है, पर वहाँ आपको अपना टाइम नहीं देना होता है। जब मशीन अपना साइकिल ख़त्म कर ले तो चमचमाते बर्तन आपको एक इनर हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड देते हैं। मेरा नेचर है कि जब तक मैं काम निपटा ना दूँ चैन से बैठ नहीं सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस। ऐसा माना जाता है कि डिश वॉशर्स इंडियन किचन्स के लिए नहीं बना है। हम जो ऑयल्स, स्पाइसेस वगैरह को यूज़ करते हैं उसे मशीन अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है, और उन्हें रिंस करके भी रखना पड़ता है। बट लेट मी करेक्ट यू हियर, हमें बर्तन में से सिर्फ बचा हुआ खाना या कोई भी फूड पार्टिकल्स बचे हैं तो उनको निकालना पड़ता है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन हैंड वॉश से ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से बर्तनों को क्लीन तो करता ही है, पर उन्हें जगमगाती जैसे नए हो वैसे चमक भी देता है, और हाँ, उस पर कोई दाग धब्बे भी नहीं छोड़ता है। एक ऐसा भी मीथ है कि डिश वॉशर बहुत ही ज़्यादा बिजली और पानी यूज़ करता है। जब आप मशीन में बर्तन धोते हैं तो एक साइकिल में करीब करीब 10 से 12 लीटर पानी यूज़ होता है, जबकि हम मैन्युअली उसे करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो यह मशीन में लाइट मोटर और पंप का यूज़ किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते हैं। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, दिन के 2 लोड काउंट करें
तो यह मशीन का 50-60 यूनिट्स और 350-400 रुपीस का कंजम्पशन करता है। ये यूजेज के हिसाब से वेरी हो सकता है, पर अगेन उसके सामने आपको यह फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल हो जाती है। अभी जो नए मॉडल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, उनमें कांच के बर्तन के लिए अलग से प्रोग्राम मिल जाते हैं, जो कम टाइम साइकिल में आपकी क्रॉकरी को विदाउट एनी डैमेज स्पार्कलिंग कर देता है। अगर बड़े बर्तनों की बात करूँ तो इसमें एडजस्टेबल रैक होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बर्तन की साइज के अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। हम यह मशीन में एल्यूमिनियम, वुडन, आयरन और कॉपर नहीं यूज़ कर सकते हैं, और प्लास्टिक और ग्लास भी जो डिशवॉशर सेफ है उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टील डिशवॉशर सेफ ग्लासेस, सिरामिक ग्लासवेयर, सिलिकॉन बेकिंग डिशेस, ये सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने जितने प्लस पॉइंट्स ध्यान में रखने लायक है वो सब आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप खुद एक परफेक्ट डिश वॉशर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। यह मैटर नहीं करता कि आप घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, यह मशीन से आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल पाएंगे जिसको आप कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन के काम को आसान बनाने के लिए हमने बनाया है टॉप 5 डिशवॉशर का वीडियो, जिसे आप ऊपर दी गई लिंक को क्लिक करके चेक करके बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो वीक में 3 वीडियोस लेकर आते रहते हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले वैल्यू पैक्ड वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।